नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। और आज हम जो फिश बनाने, पेपर फिश बनाने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजी है, आसान है बनाने में। और इसको देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और ये देखिए, है ना। सो हर बार मैं जब आपके लिए कुछ सेशन में लाता हूँ तो उसको पहले देखते हैं हम लोग कि कितना समय लगेगा बच्चों को और कितनी इसमें दिक्कतें रहेंगी। तो ये वाले जो सेशंस हैं जो भी हम कर रहे हैं पेपर वाले, इनमें एक खासियत है कि पेपर जो होता है ऑलवेज हमें इजीली अवेलेबल रहता है। और दूसरी चीज, कलर पे मत जाइए। हरदम मैं कहता हूँ कि सीखने पे, हम सीखने के लिए कॉपी का भी पेपर यूज कर सकते हैं, है ना, या कोई भी प्लेन पेपर हो घर में उसको भी यूज कर सकते हैं। कलर पेपर आपको बनाने हैं तो चार्ट पेपर ले आए, उसको आप काटेंगे तो वो एक लगभग A4, जब काटते उसको काटना शुरू करेंगे आधे आधा करते करते, तो वो एक समय पे A4 साइज में आ जाता है, उसका लगभग A4 साइज बन जाता है। सो वो एक साधारण तरीका है कि A4 कलर पेपर बनाने का आपका, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो ये चीजें जो हम बनाते हैं पेपर की, जो सुंदर सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं दिमाग में, जब हम किसी चीज को काटते भी, चाहे आप मुझे देख के कर रहे हैं, है ना, एक चीज कॉपी कुछ नहीं होगी। कॉपी जो कहते हैं हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में, ये कॉपी जो वर्ड है इसको आप, मेरा कोई बिलीव नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बनाएंगे ना, कॉपी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल दूसरा एग्जैक्टली ऐसा बनाया, मगर जब आपने स्केलिंग की और मैंने स्केलिंग की, जब मैंने काटा और आपने काटा, चाहे ये आंख बनाई, वो अलग होगी ही होगी। तो वो आपको बनाएगा, है ना। और एक समय पे आप देखेंगे कि कितनी चीजें, जब मैं भी चीजों को सीखता हूँ और करता हूँ तो वो चीज मुझे नहीं मिलती है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको क्या करता हूँ कि मैं उसका इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, कि वो नहीं तो फिर किस चीज से बनाऊं। तो वही है क्रिएटिविटी, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। वो छोटी छोटी जो हम उसमें नुस्खे डालते हैं, है ना, तो उन चीजों से हम करते हैं। इसमें आप देखिए, तो ये मैंने पेपर से बनाई है, मगर इसमें गूगली आईज लगा देंगे जो हमें मार्केट में मिलती है, और सुंदर लगेगी। मगर गूगली आईज नहीं है तो क्या हम बना ही नहीं सकते? ऐसा तो नहीं है, है ना। सो देखिए, ये भी उतनी सुंदर लग रही है। तो देखने का नजरिया, जिसको मैं हरदम कहता हूँ, हाँ, और सीखने का जज्बा। तो चलिए, इसके साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और इसके लिए क्या क्या सामग्री, मटेरियल्स की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। सो हमें एक A4 शीट चाहिए, ये वाली। इसमें से हम स्क्वायर निकालेंगे पेपर, और एक कोई भी दूसरा कलर ले लीजिए आप, जो कि इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट करता हो। कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके ऊपर अलग से दिखता हो, साधारण शब्दों में बोलूं तो मैं, कि इसके ऊपर उभर के आए। अगर ये भी नहीं बनाते, इसको भी अलग से हम बना सकते हैं। इसके दो तरीके हैं बनाने के, मैं बनाते बनाते आपको वाला तरीका भी दिखाऊं। देखिए, अलग अलग कलर में कितना सुंदर लगता है ना? ये वाली फिश और ये वाली फिश। सो इसको बनाने के लिए पेपर्स मैंने कहा दो अलग अलग कलर के, अगर नहीं है तो स्केच पेन से आप कर लीजिए। हमें इतना ही हिस्सा चाहिए जो अलग चाहिए। उसके बाद हमें गोंद चाहिए, हमें सीजर चाहिए, है ना, स्केल और पेंसिल और एक और वाइट पेपर आप यूज कर सकते हैं आंखें बनाने के लिए, या तो उसी के ऊपर भी बना सकते हैं। वो अलग अलग तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अब शुरू करता हूँ। ये थे हमारी सामग्री और मटेरियल जो हमें इस फिश को बनाने के लिए जरूरत है, पेपर फिश। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि हम इसमें से स्क्वायर पेपर कैसे निकालेंगे। तो मैं कैमरे को थोड़ा नीचे करता हूँ। सो ये हमारा पेपर है, और इसको मैं, जैसे मैं हरदम बताता हूँ, ये जो हेड है इसका, ये जो था, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा और इसको बराबर करूंगा इसके साथ, बिल्कुल लाइन टू लाइन,
है ना, लाइन टू लाइन, और मैं इस पेपर को यहाँ से बीच में से दबा दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पेपर की जो शेप बन गई है, मैं इसको दिखाऊं आपको, ये शेप है ना, ये देखिए ये जा रहा है इस कोने पर, मैं सिर्फ इस कोने में जा रहा है इस बराबर। अभी निचला हिस्सा मैं इसको काट दूंगा, इसको मैं कैंची लगा के काट दूंगा। कैंची लगा के भी काट सकते हैं आप, या आपके पास अगर कटर है तो कटर से भी काट सकते हैं, मगर हमारे लिए कैंची आसान रहेगी। तो हम अगर देखें तो ये जो आगे पेपर आ रहा है वही एक तरह से आपकी लाइन है ना, तो उस लाइन को देखते हुए धीरे धीरे हम, और कैंची का अंदरूनी भाग यूज करें। कैंची का अंदरूनी भाग मतलब ये वाली साइड, इससे आपकी कमांड स्केल की तरह आगे वाली कैंची बरकरार रहेगी। जब आप इसको खोलेंगे तो ये देखिए हमें एक स्क्वायर पेपर मिल गया है, स्क्वायर का मतलब चारों तरफ से बराबर, ठीक। तो इसको हम वापस उसी शेप में ले जा रहे हैं जैसे वो हमने उसको काटा है, तो इसको हमने दबा दिया। स्केल और पेंसिल जो आपको दिखाई है उसे हम लाइनें खींचेंगे, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम एक लाइन यहाँ पे थोड़ी सी दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें याद रहेगा कि हम कितने तक कैंची को ले जाएंगे जब इधर वाली लाइनें खींचेंगे। अभी आप समझेंगे उस चीज को। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको एक लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लगभग 5 सेंटीमीटर की लाइन ली, ओके। सो जब मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन लूंगा, देखिए लगभग 5 सेंटीमीटर की लाइन, और मैंने ये वाला हिस्सा लिया है, अब ये ट्राइंगल वाला आगे की साइड में, अब मैंने पेंसिल से हल्की लाइन यहाँ खींच दी, ये देखिए लाइन खींच दी है ना, ये लाइन जो है। अब क्या करना है, इसके बाद मैं इस पेपर को ऐसे रखूंगा, ये जो खुली साइड है अगर देखे तो ये 90 डिग्री वाला जो है वो मेरी तरफ रहेगा, और ये जहाँ पे लाइन लगाई वो तिरछी में रहेगी, ओके। अब हम अगेन 5-5 सेंटीमीटर अगर देखे तो लगभग ये जो बॉक्स है मेरा, ये जो बॉक्स है जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बॉक्स है, ये जो पूरा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये लगभग 5 सेंटीमीटर का है ना। अब मैं इसको यहां से धीरे धीरे लाइन लगाना शुरू कर रहा हूं, ये देखिए यहां से मैंने क्या किया, लाइन देनी शुरू कर दी, ओके। सो ये जो लाइनें हैं सो मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास ये स्केलिंग वाले बॉक्स है ना, ये वाले बॉक्स है, इस वजह से मुझे इजी हो रहा है ना। सो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसके माध्यम से ऐसे करते हुए ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे करके ले सकते हैं। सो अब ऐसे करते हुए हम सारे बॉक्सों में लाइन ले रहे हैं, अब धीरे धीरे ये लाइनें आप देखते जा रहे हैं कि ये लाइनें यहाँ पे बनती जा रही हैं काफी सारी, है ना। अब ऐसे ही इसको डिटेलिंग जो है, अगर ये लाइनें, अब अगर आपने फिश का ये जो ये वाला पार्ट देखा है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं है ना, लगभग ये पूरी एक पूरी सेंटीमीटर है ना। सो मैं इसको उसी लाइन में रख के मैं लाइन खींचता जा रहा हूं, उसको लाइन खींचनी हमने ऐसे धीरे धीरे, और इनको आप अच्छी तरह से ये बराबर हो, लगभग में हो तो अच्छी दिखेंगी जब कटने के बाद, तो उसका ध्यान रखना है।
सो जब स्केलिंग करते हुए जब स्केल से आप जो लाइनें खींच रहे हैं उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लगभग सेम हो। तो मेरी लाइनें बन चुकी हैं, देखिए बहुत सारी लाइनें बनी। अब क्या करना है, अब आपको सीजर से इन लाइनों को सीधा काट। तो जब हम काटते हैं तो उस वक्त कौन सा सीजर का भाग से काटे तो हमें आसानी मिलेगी, है ना। तो सीजर में जब मैं हरदम बताता हूँ कि टॉप होता है, मिडल होता है और बॉटम होता है ना। अगर मैं दिखाऊं तो टॉप, मिडल, बॉटम। सो हम अंदरूनी भाग यूज करेंगे। ये देखिए इसको देखते हुए, और ये देखिए मैं अंदर वाला जब मैं ले रहा हूं तो ये देखिए एक तरह से स्केल का काम कर रहे हैं ये सीजर अब, है ना। ये देखिए मुझे बिल्कुल स्केलिंग भी दे रहा है कि मैं सीधा काट रहा हूँ कि टेढ़ा काट रहा हूँ। सो ये इससे मुझे मदद मिल रही है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, है ना। अब जब हम यहाँ लास्ट में पहुंच रहे हैं तो तब आप फिर इसको अंदरूनी भाग को ले लीजिए, इससे आपकी कमांड अच्छी रहेगी। ये देखिए बिल्कुल वहीं तक आप इसको काटेंगे। फिर अगर आप ऐसे काटते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हल्का सा क्रैक आ जाता है अगर आप टॉप यूज करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत कोई इतनी जल्दी बताता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सही पॉइंट पे बार बार काट रहे, क्योंकि मैं अंदरूनी भाग और मुझे पता चल रहा है कि वो कितना काट, है ना। सो ऐसे करके मैं धीरे धीरे ये सारे जो लाइनें हमने बनाई हैं सारी लाइनें, तो ये सारी लाइनें अब इनको मैं काटता जा रहा हूँ, है ना। और उसी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए कटिंग में तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर भी थोड़ा ज्यादा कट जाता है तो ये मत समझे कि वो खराब हो गया है, वो मैनेजेबल है। अंदर थोड़ा ज्यादा कट जाता है, इस लाइन से ज्यादा कट जाता है तो भी मैनेजेबल है, वो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीजों पर आप ज्यादा वो मत करिएगा, फोकस ये रहना चाहिए कि आप लोग इसको फर्स्ट टाइम में निभा पा रहे हैं, कंप्लीट एक बना पा रहे हैं फिश। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जब आप करते जाएंगे, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें कमांड आ जाएगी। तो उस चीज पे मतलब बिल्कुल निश्चिंत रहे कि ये अरे मेरा ज्यादा कट गया, वो लाइन से जब ये कहाँ गया था, है ना। उस पर ज्यादा ध्यान ना दे, उस पर फोकस ना हो, फोकस आपका कि आप इस प्रोसेस को पूरा कर पा रहे हैं। सो लगभग मेरा खत्म ही होने वाला भी है, है ना, जो है बस थोड़ी सी लाइन रह गई है और अंदर भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग समझें कि ये अरे ज्यादा कट गया तो उससे, क्योंकि मैंने तो एक लाइन लगवाई थी, है ना, तो उसकी कोई जरूरत नहीं उससे आप। और इसको अगर आप देख रहे होंगे टेल की साइज भी, टेल साइड भी होती है फिश में, है ना। तो टेल साइड में मैंने कितना छोड़ा हुआ, देखिए इतना पार्ट मैंने टेल साइज में छोड़ा हुआ है, इतना पार्ट मैंने बिल्कुल कंप्लीट लास्ट तक नहीं किया। तो अगर आप देखें तो मेरी फिश का ये पूरा दोनों साइड अब ऐसे, अब खोल के अगर इसको देखें तो ये ऐसी लग गई, है ना। मगर हम इसको क्या, अब क्या करना है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा। अब ये मैंने काटा है, इसको मैं अब उल्टा करूंगा, ओके, इस बैकलेट में लाऊंगा क्योंकि मेरी फिश आराम से इजीली स्टेबल है और मैं इन चीजों को एक एक को उठा के मुझे चिपकाना है यहाँ पे। अब उल्टा ऐसे यहाँ पे, यहाँ चिपकाना है। तो पहला वाला जो मैं चिपका रहा हूँ पूरा, ये देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर चिपका रहा हूँ इसको, कॉर्नर टू कॉर्नर, है ना। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं इस कॉर्नर को, अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये कॉर्नर, है ना। सो इस कॉर्नर को ये पूरा ढक देगा, कहने का मतलब ये कॉर्नर टू कॉर्नर, ओके। सो अब क्या करना है, हम गोंद की मदद से इन पॉइंटों में थोड़ा थोड़ा गोंद लगाएंगे। देखिए मैं कैसे ड्रॉप गिरा रहा हूं। अब थोड़ा आप लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि जल्दी सूखेगा,
अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो उसको टाइम लगेगा सूखने में, है ना। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं आप और इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए और इसको अब आप यहाँ रख दीजिए, इसको कवर करते हैं, है ना। सो पहला आपको जो ये जो स्ट्रिप है इसको आपने लगा दिया और देखो कम गोंद लगाया तो एक ही बार में चिपक भी गई है, देखिए। तो अब ये देखिए, ये इस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सो एक इधर से लिया मैंने और दूसरा इस साइड से लिया और उसको क्या करना है, उसके ऊपर ओवरलैप कर, है ना। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही हम दूसरे को करेंगे अब। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस साइड से आपने स्टार्ट किया है वो पहले में ही जाएगा, ओके। सो हर बार वो पहला। अब देखिए ये क्या है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ये यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन यहाँ यहाँ लाइन दे रही है, यहां रखेंगे इस बॉक्स में आप इसको, ठीक है। वैसे ही दूसरी वाले को आप उसके ऊपर ऊपर ओवरलैप कर देंगे वहां से, जैसे हमने पहले वाले में किया था, ठीक है। सो वैसे ही अब हम इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। ये देखिए ये यहां पे है, वैसे इसको आराम से मैंने उठाया और इसको फैलाया गोंद को और इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, है ना। सो बार बार इस प्रोसेस को हम दोहराते रहेंगे जब तक ये जितने भी हमने स्ट्रिप्स काटी हैं वो, पहला वाला हम यहाँ रखेंगे, मगर बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले वाले को हम इस साइड में रखेंगे इस लाइन के साथ, मगर दूसरे वाले को उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर हम इसको चिपकाएं। सो ये देखिए, ये मैं कितने गोंद फिर लगा रहा हूं, ये देखिए बार बार इसको मैं चार स्ट्रिप ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लगाई तो हवा की वजह से गोंद सूखने लग जाता है। सो इसको मैंने फिर उठाई और गोंद में आपको जैसे हरदम बताता हूँ कि गोंद आप कम लगाइए तो जल्दी सूखेगा। तो यहाँ पे हो गया, वैसे ही इसको हमने यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, पहले वाले के ऊपर पेपर के ऊपर स्ट्रिप के ऊपर चिपकाया। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा चिपकाने वाला जो है थोड़ा लंबा है, आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देना है। मगर जब आउटपुट जो है, देखिए कहते हैं ना कि कुछ चीज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता। तो उसी चीज को मैं कोट करते हुए, ये जो हम बना रहे हैं पेपर फिश, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये लगभग मैं आधे में पहुंच चुका हूँ, है ना। हिमेशु कुछ आपने पूछना है? पहले लंबा वाला जोड़ना है या पहले छोटे वाला जोड़ना है? लंबा वाला मैडम, लंबा वाला जो पेपर आपकी स्ट्रिप्स हैं, अगर आप देखिए जोड़ेंगे बिल्कुल लंबे वाले पहले, देखिए ये शेप लेके आ रही है ना, एक वी शेप आ रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वी शेप आ रहा है, जैसे फिश में होता है,
तभी वो इजी रहेगा आपके लिए पैटर्न, आप समझ पाएंगे कि कहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला। सो आप लोग देख रहे हैं कि हम लगभग आधे प्रोसेस तक पहुंच चुके हैं इसके, मैं कैमरा पर नीचे कर देता हूं, है ना, ये देखिए। और एक शेप जो हमने ये फिश बनाई है वैसे ही शेप बनती जा रही है, है ना। हाँ, कुछ पूछना चाहते थे आप? सर, जो आपने पहले स्टिक चिपकाई थी, जो सेकंड्स के ऊपर चिपकाई, उसी के ऊपर चिपकाई आपने? हाँ, तो इसी प्रोसेस को देखिए, इसी प्रोसेस को मैं अपना रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये वाली स्टिक मैंने अभी चिपका दी एक साइड की, अब ये जो दूसरी स्टिक मैं लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर चिपका रहा हूँ। हाँ, ये क्लियर करना सर। हाँ, ये देखिए पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको, है ना। पहला आपको नीचे लाइन के साथ करना है, कहने का मतलब ये कि अगर ये जो लाइन है मेरी ये वाली, ये इस वाले के लाइन के बराबर में आएगी, मगर दूसरा जो है इसके ऊपर आएगा। मैं कैमरे में दोबारा दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पहला जो मैंने किया है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इस लाइन के साथ किया है, इसको बिल्कुल टक्कर पे रखा है, मगर जो दूसरा वाला है जो इधर से आ रहा है, ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा, इसके ऊपर और उतने ही टक्कर तक जाए, ठीक है। तो ये चीज में क्लियर है आपके लिए? हाँ जी सर, ठीक है। सो आप लोग देख रहे हैं, अब हम लगभग ये जो फिश है इसके स्ट्रिप्स बनाई चुके हैं, और देखिए मैं फेविकोल अच्छी तरह से फैला रहा हूं ताकि जब हम इसको चिपकाएं तो एकदम से पकड़ ले उसको, है ना। ये देखिए ये हुआ, फिर दोबारा हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, स्टकर तक लेके आया मैं, और फिर दूसरा उसके ऊपर टक्कर तक रख के उसके ऊपर चिपका दिया। देखिए इसको थोड़ा सा मैंने दबाया और ये चिपक गया, है ना। बहुत सुंदर फिश बनेगी अभी, आप लोग देखेंगे अपने आप जो आप लोग बना रहे हैं। देखिए ये लगभग खत्म ही हो गई है, और हमारी फिश की जो बॉडी है वो तैयार होने वाली है। और ये सेकंड लास्ट, ओके। अब मैंने ये लास्ट वाला, अब ये जो टेल है इसकी, इसको दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे, वो आप डिसाइड करें। या तो मैं इसको ऐसे काट दूं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे इसी स्ट्रिप में इसको काट दूं, या मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं बिल्कुल बराबर आगे तक, और
यहां से काट दो, जैसे कि मैं अब करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले भाग को यहां ले गया, इस वाले भाग को यहां ले गया और मैंने इसमें से एक ट्रायंगल निकाल दिया शेप, है ना। तो उससे भी आप इसको चिपका सकते हैं। सो ये टेल भी चिपक गए, है ना, टेल बन गए। सो हमारी बॉडी, जो फिश की जो बॉडी है वो तैयार हो गई है। अगर आप देखें तो यहीं पे हम इसको तैयार कर चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, इस फिश में क्या रह गया, देखिए ये रह गया, आंखें रह गई, है ना, चेहरा रह गया। या आप एक और कलर से ना यहाँ पे एक स्क्वायर काट के इसको चिपका दे, जो मैं कह रहा था दो तीन तरीके से टेल बन सकती है, वो भी हो सकता है। इसको एक नया कलर दे दे आप अलग, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, है ना, वो आपकी मर्जी। मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं। अब मुझे इसमें से ऐसा चेहरा निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर को लगभग मैं देखूंगा कितना चाहिए मुझे, है ना। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, फिश रखते हैं मगर यहां से ऐसे मुझे लगभग कितना, इतना कॉर्नर निकालना है बस, कहने का मतलब इतना चाहिए। तो मैं एक हल्का सा सेमी सर्कल लेते हुए इसको ऐसे काट लू, ओके। सो देखिए मैंने कहने का मतलब है कि उस कोने को एक सेमी सर्कल के हिसाब से काट लिया, लगभग ऐसे हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ये देखिए ऐसे पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। मगर पेस्ट करने से पहले मैं इसकी आंखें और इसका मुंह पेन से बनाऊंगा। तो आंखों के लिए मैं नीचे रखता हूँ, ये जो मैंने एक कॉर्नर को लिया और ये किया, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है वो इसी शेप का है, अलग है ना। सो मैं आंखों के लिए एक छोटा सा व्हाइट पेपर ले लेता हूँ और व्हाइट पेपर ब्लैक पेन की मदद से कलर कर लेता हूँ। तो मुझे आंखों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा पेपर नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने अपने पेपर कितने आराम से, अगर मुझे यूज करना है पेपर मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ, स्क्वायर ही है, मुझे सिर्फ इतनी चाहिए थी, इतना बड़ा नहीं चाहिए था, है ना। तो मैं बीच में से कि मैं अगली बार भी चला सकता हूँ, मुझे आंखों के लिए सिर्फ इतना ही पेपर चाहिए था। अब क्या करना है, मैं पेंसिल से एक लगभग आंख ऐसे भी बना सकता हूँ, है ना। अब मैं थोड़ी बड़ी आंख ही रखूंगा अभी और इसको सीजर की मदद से काट लूंगा। देखिए ठीक है, अब मैं सीजर का कौन सा अंदरूनी भाग अभी भी चला रहा हूँ सीजर का, और सीजर वहीं पे है मगर मैं हाथ को घुमा रहा हूँ बार बार, हाथ से पेपर को घुमा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे, और बिल्कुल बहुत गोल आंख की जरूरत नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, है ना। ये देखिए अगर ये देखे तो बहुत गोल नहीं है, और इसको मैं यहां रखूंगा, मगर उससे पहले इसको इस पेपर में, जो हमारे पास वेस्ट पेपर है उसमें रख के मैं इस स्केच पेन से इसमें आंखें बनाऊंगा। तो अगर आप देखें इसमें व्हाइट है ना, तो मैं इतना एक और वाइट जगह छोड़ दूंगा और थोड़ी चमचमाती हुई आंखें बनाने के लिए छोटा छोड़ दूंगा, और बाकी जो जितना भी एरिया है उसको मैं कलर कर लूंगा, इसके बाहर जो कलर जगह है उसको कलर कर। ठीक है,
हमें हर बार गूगली आईज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर समय गूगली आईज नहीं होगी। तो मैं पेपर से कैसे आंखें बनानी है और बहुत सुंदर बनानी है वो सीखना जरूरी है। नेचुरली गूगली आईज आधे से ज्यादा काम कर देती है और बहुत सुंदर बनाती है, मगर अगर नहीं है तो फिर तो क्राफ्ट ही नहीं बन पाएगा, है ना, फिश ही नहीं बन पाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, पहले जब गूगली आईज नहीं थे तो क्राफ्ट नहीं बनता था। सो ये देखिए ये आंखें बन गई हैं। अब इस इन आंखों को मुझे यहाँ चिपकाना है, तो मैं हल्का सा कर्ल कर लिया, इसको फैला दिया और इस आंखों को ऐसे रखा मैंने, ये हल्का सा चमचमाहट वाला जो एरिया है उसको ऊपर की साइड रखना है। नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है कैसे रखना है ना। और दूसरी चीज, यहां से इस पॉइंट से मैंने ये लिया, और कोई भी एक कलर से हल्का सा ऐसे अब इसको यहां चिपकाना है बिल्कुल। ओके, सो हम गून की मदद से इसको चिपका देंगे। जो भी आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो आप इधर कहीं मर्ज कर दीजिए। और इस पॉइंट पे लाके देखिए, ध्यान से लाके इसको आपको यहाँ रखते हुए इसको चिपका देना है। ये ऐसे आपकी फिश, पेपर फिश तैयार है। तो आप अलग अलग कलर में पहले सीखें, उसके बाद उसको अलग अलग कलर में आप बना सकते हैं। सो ये हमने आज फिश बनाई, और ये पेपर फिश आप लोगों ने देखी, बहुत सुंदर है ना। अगर आप इसको देखें ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसी मैंने एक दूसरे तरीके भी पहले बना के दिखाई थी, उसका तरीका अलग है बनाने का, उसको हम कोन करके बनाते हैं, वो बहुत अच्छी दिखती है। ये भी ये अलग, ये भी दूसरा तरीका है, वो ऊपर से ऐसे ऐसे चलती है मगर ये साइड से चलती है। ये देखिए कितने अच्छे लगे, है ना। तो ये हमारा आज का पेपर फिश जो थी मैंने आप लोगों को दिखाया, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो ऐसे आप इसको बना लीजिए और अलग अलग कलर्स में बनाएंगे, पहले सीख लीजिए फिर उसके बाद बनाएंगे, और ये बहुत सुंदर सुंदर आपके कोई भी प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा आराम से। और ये बहुत नए तरीके की फिश होगी, क्योंकि आप अपने स्कूल में या अपने प्रोजेक्ट्स में इनको यूज कर सकते हैं, या वॉल में सजा सकते हैं आप, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आपका आज का सेशन, और मैं अगले हफ्ते दोबारा एक नए सेशन के साथ आऊंगा। ठीक है, थैंक यू।